नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में कि अल्फा बी एस सिक्स गाड़ी का इंजन कैसे कसाता है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्स वाशर डालें, उसके बाद क्रैंक डालें और क्रैंक डालने के बाद बैलेंसर डाल सकते हैं। बैलेंसर का टाइमिंग मिला है। टाइमिंग मिलाने के लिए यहाँ फोटो दिखाया गया है कि टाइमिंग किस तरह मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ये आप देख सकते हैं फोटो में कि आप बैलेंसर का टाइमिंग कैसे मिला सकते हैं। और ये आपका ग्रिप्स इंजन बी एस सिक्स का है। जितना भी ऑटो में, अपे में, महिंद्रा अल्फा में और वैक्सी में, सारे में जितना भी रेडिएटर वाटर कूल इंजन लगा हुआ है, उन सब में यही इंजन लगा हुआ है। और इसका इंजन रिपेयर करने के लिए आप वीडियो देख कर सीख सकते हैं। तो उसके बाद इसका जितना भी पर जितना भी है ठोकर वगैरह और पुस्टर का, वो सब गीला करके लगाएं ताकि सूखा ना लगाएं। सारे को वायर में भिगा कर लगाएं और उसके बाद इसको लगाने के बाद कैम का टाइमिंग मिलाएं। और कैम का टाइमिंग मिलाने के बाद कैसे आगे का इसका वायर पंप का टाइमिंग मिलता है वो भी देख सकते हैं वीडियो में। और एक क्वेश्चन भी है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों को भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो क्या मुझे बताएंगे आप लोग क्या कमेंट करके कि वायर पंप का भी टाइमिंग होता है क्या। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है वायर पंप का टाइमिंग। तो इसमें दिया गया है, देख सकते हैं, दो तीर दिया गया है कैम के लिए और एक तीर दिया गया है वायर पंप के लिए। तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि वायर पंप का भी टाइमिंग होता है क्या, या फिर होता है तो किन किन गाड़ियों में वायर पंप का टाइमिंग होता है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। और कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। और कैम भी लगाएं तो सूखा ना लगाएं, हमेशा वायर से गीला करके ही लगाएं, नहीं तो आपका ये पिनियम वगैरह पकड़ लेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैम लग रहा है और कैम का भी टाइमिंग आपको दिखा दिया जाएगा पिक्चर में। और पूरा वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। कोई भी आदमी देखकर कस लेगा, कोई भी अनजान आदमी वीडियो देखकर, कोई भी इंजन वाटर कूल रहेगा ग्रिप्स का, या आपका ग्रिप्स का बी एस सिक्स का ही इंजन है रहेगा, तो उसको वीडियो देखकर कर सकता है। और ये टीथ वगैरह इसका टाइमिंग कैसे मिलता है वो भी देख सकते हैं। ये है आपका वाटर कूल इंजन, इसमें है, पहले आता था एयर कूल इंजन ग्रिप्स का। ग्रिप्स का वाटर कूल इंजन ऑटो में आता है, बी एस सिक्स में जितना भी लगा हुआ है उसमें। तो ये आप देख सकते हैं इसमें वायर पंप का, ये पिनियम का टीथ का यहाँ पे दिया हुआ है उसका टाइमिंग का, उसको वायर पंप में भी आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा कि वायर पंप में कहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का निशान। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें दोस्तों, एक लाइक आपको सपोर्ट करता है वीडियो बनाने में हमको। तो हमें से अच्छी तरह से इसको चेक करके कसें, ठस वाशर वगैरह बैठा दें, उसके बाद ही कसें। ठस वाशर वगैरह छटका हुआ रहेगा या ठीक से बैठेगा नहीं तो आपका पिनियन वगैरह जाम हो सकता है। और अच्छी तरह से नचा कर चेक कर लें, उसके बाद ही इसका टाइमिंग प्लेट कसें। और हमेशा वाल्व प्रेशर स्विच वगैरह भी चेक कर लिया करें, ठीक रहेगा तभी लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। और वायरिंग वगैरह भी चेक कर लें कि ख़राब रहे तो चेंज कर दें। और बूस उस पर हमेशा वायर वायर लगा कर चेक करें। और इसका वाल्व का सर्कुलेशन कैसे हो सकता है ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। वाल्व का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे कैसे करेंगे में मोबिल जाता है, और कैसे कैसे टाइमिंग आपका कनेक्टिंग रॉड पे मोबिल जाता है, मोबिल बोले तो इंजन ऑयल जिसे लुब्रिकेंट होता है जो कि गाड़ी चलने में स्मूथ रखती है। और इस गाड़ी में बैलेंसर भी दिया गया है दोस्तों। बैलेंसर का टाइमिंग तो मिलाने के लिए हम बता ही दिए हैं। हर चीज़ को ऑयल से गीला करके ही लगाएं, नहीं तो आपका स्टार्ट होने के दौरान ही आवाज़ करने लगेगा और हो सकता है इंजन का लाइट भी गड़ जाएगा। और ठस वाशर वगैरह भी ठीक से लगाएं गीला करके और अच्छी तरह से लगाएं, ध्यान से कसें दोस्तों। नया इंजन है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका वायर पंप भी दिया गया है जियो का टाइप का, आप लोग जियो गाड़ी देखे होंगे तो उसी टाइप का आपका इसमें वायर पंप लगा हुआ है। और यहाँ है वाल्सम, इसमें लगेगा, वाल्सम से वायर पंप में मोबिल जाएगा और वायर पंप मोबिल खींच के देगा वायर फिल्टर को जो इस साइड लगा हुआ रहता है। तो आप अंदर का भाग देख सकते हैं वायर पंप में किस तरह का रहता है, अंदर का सामान वो आप देख सकते हैं किस टाइप का। दो तीथ रहता है और एक प्लेट रहता है, उसमें प्लेट में एक लॉक रहता है। तो ये देखिए आप, इसमें भी दिया गया है उसी टाइप का मार्क जो आपका क्रैंक में दिया गया था। जैसा कि आपने देखा कि इसमें भी उसी टाइप का निशान दिया हुआ है। और पिनियम भी इसमें उल्टा सीधा होता है और हमेशा सीधा कर कर ही पिनियम लगाएं। इसमें पिनियम में सीधा में मार्क किया हुआ है और मार्क हमेशा ऊपर की साइड रहना चाहिए।
और इसको अच्छी तरह से लॉक कर दे। उसके बाद हमेशा चेक कर ले कि लॉक हो गया परफेक्ट या नहीं हुआ, या नहीं तो लॉक सही से नहीं होगा तो आपका ये देखिए उल्टा भी बैठ जाता है और पिनियम सीधा भी बैठ जाता है। इसीलिए हमेशा मार्क किया हुआ चीज़ ऊपर रखिएगा, नहीं तो आपका पिनियम वगैरह ठीक से नहीं काम करेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमेशा लॉक अच्छी तरह से चेक कर लें, नहीं तो लॉक आपका ठीक से नहीं बैठेगा और आप उसको उसी तरह लगा देंगे तो वाल्व पंप फेलवर हो जाएगा, फिर आपका इंजन ख़राब हो जाएगा और फिर इंजन खोलना पड़ जाएगा दोस्तों। तो मैं ये इंजन कस रहा था तो मुझको इस इंजन में कुछ कमी मिला दोस्तों, और वो कमी क्या मिला मैं आगे चल के बताऊँगा। वो शायद ग्रिप्स वालों को सुधार करना चाहिए था, उसके वजह से शायद ये इंजन बहुत ज़्यादा फेलवर आएगा और उसी के चांस है कि उसी के वजह से ही फेलवर आएगा। और ये वाटर कूल इंजन है, ऐसे उसको सिर्फ एक चीज़ को चेंजिंग कर दे तो ये काफ़ी इंजन सक्सेस रहेगा, और तो कुछ कमी नहीं मिली मुझे। तो इसका सर्कुलेशन के बारे में बता देता हूँ। वाल्व पंप से यहाँ पे आ गया वाल्व फिल्टर में, वाल्व फिल्टर से ये गोल वाले जो छेद है इससे अंदर जाएगी वाल्व। इससे अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कहाँ पर आएगा मुँह पे। अंदर जाने के बाद देखिए इस पाइप से निकलेगा और यहाँ आने के बाद यहाँ मेन पुश पे आएगा, टाइमिंग वाले पुश पे, उसके बाद इधर कैम के पास भी जाएगा, लुब्रिकेंट होते रहेगा और वायर प्रेशर वगैरह में भी इसी ही वायर सर्कुलेशन होता है। तो इसमें मुझे कमी क्या मिला दोस्तों कि इसका जो ठस वाशर है आप देख सकते हैं वो हाफ है। फ़ोटो में मैं दिखा दूंगा कि ठस वाशर इसका कैसा है। वो ठस वाशर पूरा गोल देना चाहिए जैसे कि हमारा BS4 इंजन में दिया था। ये काफ़ी बढ़िया इंजन था और उसको इंजन में कुछ कंप्लेन वगैरह भी नहीं आई थी, और इसमें भी देना चाहिए दोस्तों। उसी की वजह से इंजन खुल रहा है काफ़ी गाड़ियों में, और आपको देना चाहिए ठस वाशर। कंपनी वाले को सुधार करना चाहिए और सब अच्छी तरह से चेक कर ही लगाएं और ठस वाशर वगैरह ठीक से बैठा लें। इसमें तो बैठा कर कसने में बहुत सारी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें हाफ ठस वाशर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो में ठस वाशर दिखा दूंगा, तो वीडियो को शुरुआत में ही मैंने ठस वाशर दिखा दिया था, वो मैंने बोलने में थोड़ा गलत कर दिया था। तो वीडियो को शुरुआत में आप देख सकते हैं हाफ हाफ ठस वाशर दो पीस है, और आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को कि ठस वाशर दो को हाफ हाफ लगा हुआ है, उसी को फुल देना चाहिए था। और उसके बाद उसमें उसको चेंज करने के बाद गाड़ी काफ़ी हद तक ठीक लग जाती है, ठीक रहती है। और इसमें इंजन जॉइंट पैकिंग जिसको कहते हैं वो भी है, आपका पुराना मॉडल वाला ही है, पुराना ही इंजन वाला पैकिंग लगता है, इंजन जॉइंट पैकिंग। वाइसिल वगैरह भी पुराना ही है, PTO वाइसिल जिसे इसमें टाइमिंग वाइसिल कहा गया है। और ये ग्रिप्स का आप लोगों देख सकते हैं कि ग्रिप्स का ही इंजन है BS6 गाड़ी का, और इस गाड़ी में फ्लाईव्हील वाइसिल में चेंज किया गया है। फ्लाईव्हील वाइसिल दूसरा लगता है इस गाड़ी में, वो आपको कसिएगा इंजन तब पता चलेगा। और इसका साइड कवर भी ठीक से कसे दोस्तों, इसमें पैकिंग वगैरह नहीं लगती है। पहले का इंजन में पैकिंग लगता था, इसमें पैकिंग नहीं लगती, आपको सोल्यूशन पे ही और गम पे ही चिपकाना पड़ेगा बढ़िया से अच्छी तरीके से। और उसके बाद आगे देखिए वीडियो में कैसे कैसे काम हो रहा है इंजन में, आप देख कर सीख सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे दोस्तों, और आप अच्छी तरह से सारा बोल्ट टाइट करें। ये वाटर कूल इंजन है, अच्छा इंजन है, इंजन में काफ़ी सारा पावरफुल दिया गया है ताकत। और इस इंजन को कुछ दो तीन चीज़ काम करना चाहिए कंपनी को। एक तो बहुत ज़्यादा फैब्रिकेट करती है गाड़ी चलती है तो नॉर्मल ही RPM में फैब्रिकेट करती है। तो देखिए आप ये देखिए हल्का फ्लेयर रहता है, हल्का फ्लेयर रहना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इंजन क्रैंक में हल्का फ्लेयर रह जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पर मार्क किया गया है रेड कलर से। वहाँ पर मोबिल जिसे वायल कहते हैं वो अप डाउन हो रहा है हल्का हल्का, तो इसको माइनर प्लेयर रहना चाहिए। माइनर प्लेयर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद BP किट इसमें डालें, BP किट में देख सकते हैं आप फिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। BS4 गाड़ी में फिंग्स लगा हुआ रहता था जिससे गाड़ी ब्लॉक ठंडा होता था और गाड़ी भी ठंडा होती थी, इसमें नहीं लगा हुआ। और कनेक्टिंग वगैरह अच्छा से टाइट करें, इसमें छोटा सा चैम्बर प्लेट भी दिया गया है उससे आप कनेक्टिंग कर सकते हैं, और साइड अगर उभर से हाफ इंजन का काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए BP किट बैठ गया और इसको नचाने के बाद नीचे आएगा, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से कस दे, दो गो बोल्ट 13 नंबर 2 बोल्ट है उसको टाइट कर दे अच्छी तरह से ताकि खुल उल ना जाए। और आप वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर, और आपका अपना ही चैनल है ये टेक सर्विस बुलेटिन। और ये देखिए ये निकल गया, इसको अच्छी तरह से बैठाएं दोस्तों, और हमेशा ही इंजन साफ़ सुथरा कर ही कसे, नहीं तो गंदा रहेगा तो आपका इंजन में कचरा अंदर जाएगा तो वो काफ़ी जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है।
तो ये है सीआर बेयरिंग और ये है चापा, जिसे आप लोग कहते हैं चापा कहते हैं या कनेक्टिंग पल्ला कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो इसमें सीआर बेयरिंग लगा हुआ, कनेक्टिंग बेयरिंग, और इसको अच्छी तरह से कस दे। दो बोल्ट रहता है, वो बोल्ट मैं दिखा देता हूँ किस तरह अंदर जाने के बाद कसाता है। तो ये रहा, आप देखिए फ़ोटो में कि किस तरह का अंदर कसाने पर आता है, तो आप देख सकते हैं कैसा रहता है। उसके बाद इसको में डालिए ट्रस वाशर, ओह सॉरी दोस्तों ट्रस वाशर नहीं, हेड गैस्किट, हेड गैस्किट डालिए। हेड गैस्किट भी उल्टा सीधा होता है, तो आप फोटो में देख सकते हैं कि सीधा किस टाइप का है। तो सीधा में आपका लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ नंबर, उस नंबर को आप सीधा मानिए और सीधा ही रहेगा वो, सीधा ऊपर की तरफ लिखा हुआ रहना चाहिए, ऊपर और एक तरफ नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो पोजीशन नीचे के साइड रहेगा, लिखा हुआ पोजीशन ऊपर की साइड रहेगा, तो आपका हेड गैस्किट सीधा ही लगा है। उल्टा लग जाएगा तो गाड़ी ओवरहीटिंग होने का शिकायत रहेगा, कूलेंट सही से सर्कुलेशन नहीं होगा। तो लिखा हुआ पोजीशन हमेशा ऊपर रहे, ऊपर की ओर साइड रहेगा, गलती से भी नीचे ना कर दें। और उसके बाद हेड को अच्छी तरह से लगाने के बाद हेड गैस्किट को, हेड को असेंबल करें, और हेड असेंबल करके आप उसको अच्छी तरह से टाइट करें दोस्तों। और साफ़ सुथरा जितना ज़्यादा इंजन रहेगा वो आपके लिए ठीक रहेगा। और इसमें रॉकर वगैरह भी कैसे निकालना है वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और कोई भी अगर जो आपको जानना है कि कैसे निकालना है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट में बता दूंगा कि इसका रॉकर कैसे निकलेगा बाहर, जिसे चिड़िया कहते हैं रॉकर आर्म को। और जितने भी नए लोग मैकेनिक्स देख रहे हैं वो भी आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं इंजन कसने के लिए कि रॉकर कैसे निकलेगा। तो रॉकर निकलने के लिए मैं बता दूंगा दोस्तों, कमेंट कीजिए आप ज़रूर, हम मैं सपोर्ट करूंगा आपका। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों ज़रूर से ज़रूर। तो टॉर्क से हमेशा टाइट करें, टॉर्क से ही हमेशा हेड को टाइट करें ताकि लूज वगैरह ना रह जाए। और कोना कोनी टाइट करें, कॉर्नर एक कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर तो एक कॉर्नर उस कॉर्नर पर, तो कोना कोनी टाइट करने के बाद ही इसको करें। एक लाइन से टाइट कीजिएगा तो वो आप हेड गैस्किट ठीक से नहीं बैठेगा और लीकेज कर जाएगा दोस्तों। तो अच्छी तरह से ही कसें, वाइसल वगैरह भी अच्छी तरह से बैठा लें ताकि लीकेज वगैरह ना करें, फ्लाईव्हील वाइसल वाइसल भी ठीक से बैठा लें दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन अच्छी तरह से देखिएगा तो इंजन ज़रूर कस लीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो थोड़ा लंबा होने के लिए उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ इस वीडियो में, गाड़ी कैसे कैसे कसाता है। तो ये देखिए टॉर्क रिंच भी आवाज़ करता है इसमें, लास्ट में फाइनल टॉर्क रिंच मारने पे। इस गाड़ी में ग्लो प्लग भी दिया गया है दोस्तों ताकि ठंडा में गाड़ी में स्टार्ट होने में कोई दिक्कत ना करे। और इंजेक्टर भी दिया गया है और अच्छी तरह का इंजन, कंपनी ने तो काफ़ी ध्यान दिया इस इंजन पे ग्लो प्लग देने के बाद, कहा कि ग्रिप्स का इंजन ठंडा होने पे, ठंडा में गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देता था, पहले उल्टा फीता मारो फिर सीधा मारो, उल्टा मारो सीधा मारो फिर जाके एक बार में स्टार्ट होती थी। तो उससे तो कंपनी हम लोगों को राहत दे दी है इसमें ग्लो प्लग देने के बाद, तो एक बार में ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप टॉर्क रिंच का आवाज़ सुन लीजिए एक बार, कैसे फाइनल टाइट होने के बाद आवाज़ करता है। ज्यादा नहीं कर लेंगे फिर। आ बोलिए चलो बोला तो जैसा कि आपने सुन लिया हेड का आवाज़, और ये देखिए रॉकर आराम बैठा दिया, टाइफिट जिसे आप लोग चिड़िया कहते हैं वो बैठा दिया। और टाइफिट कैसे मिलता है वो भी मैं बताऊंगा। ये पुशरट नहीं बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं पुशरट भी इसको लो करके बैठाएगा। और इसमें एक स्क्रू रहता है रॉकर आराम का, एक लगाने के बाद उसको पेच को कस दे, नहीं तो वो बाहर से जो ठोकाता है रॉकर आराम का सॉकेट वो लूज होके गिर सकता है। गिरने के बाद दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आपका इस गाड़ी में टाइफिट मिलाया जा रहा है, और टाइफिट कैसे मिलाया जा रहा है फिलर गैस से। 0.5 mm का आप ले सकते हैं टाइफिट गेज, और टाइफिट गेज से मिला सकते हैं 0.5 mm का और 0.4 mm का। 0.5 mm का आपका रहेगा किस चीज़ का, इनलेट मैनिफोल्ड, और 0.5 mm का रहेगा
आई एम सॉरी दोस्तों 0.5 mm का रहेगा, इंडेट मैनिफोल्ड का 0.4 mm का रहेगा एग्जॉस्ट। उसके पास सारा ऊपर से जीआर कूलर वगैरह सारा चेक कर दें, उसके बाद गाड़ी पे चढ़ा कर उसके बाद स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करने के बाद हमेशा ध्यान दें कि कोई चीज़ लीकेज वगैरह नहीं हो रहा और बंद चालू ना करें। एक बार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी कम से कम आधा घंटा तक स्टार्ट रखें। आधा घंटा स्टार्ट रहने के बाद ही आपका गाड़ी का लाइफ बढ़िया रहेगा। बंद चालू कीजिएगा तो वो इंजन पे लोड पड़ती है, तो कंटिन्यू हमेशा आधा घंटा तक स्टार्ट रखें दोस्तों, बंद चालू ना करें। और ये देख सकते हैं आप फाइनल इंजन कसा गया है। फाइनल इंजन कसने के बाद असेंबल पूरा नीचे ही हम लोग कर लेते हैं, आसान रहती है चढ़ाने में गाड़ी पे। हम लोग तो लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, आप लोग आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करके आप इंजन कस के गाड़ी पे चढ़ाएं या फिर पूरी असेंबली करके गाड़ी पे चढ़ाएं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। हम लोग तो पूरे असेंबली कस कर ही गाड़ी पे चढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग के पास लिफ्ट सुविधा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।